बंधुओं सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी पर भी क्लिक करें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। ओम नमस्कार बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बंधुओं, 6 दिसंबर को है संकाष्टी चतुर्थी, जिसको हम संकट हरा चतुर्थी भी कहते हैं। बंधुओं, इस दिन हम श्री गणेश की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, मगर ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। यदि आपको अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है तो आज के दिन श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद आप 2 तरह के उपाय कर सकते हैं जिनसे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आपकी मनोकामनाएं किसी भी प्रकार की हो, अगर आप ये 2 प्रकार के जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं इनमें से कोई एक भी कर लेते हैं तो आपका मनोकामना पूर्ण होने में सफलता मिल सकती है। अगर आपने कोई भी एक उपाय पूर्णता करा सटीकता से व सरलता से, आइए जानते हैं कि वह उपाय कौन से हैं और उनको कैसे करना है। आप 6 दिसंबर को एक दोने में 5 प्रकार की मिठाइयां रखें, हरी इलायची रखें और शुद्ध देशी घी का दीपक दोने में जलाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। एक बार फिर बता देते हैं हम कि आपको एक दोने में 5 प्रकार की मिठाइयां रखनी है, हरी इलायची रखनी है, दो हरी इलायची रखनी है और आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी जलाना है और आपको दोना और देसी घी बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। और जब आप जल में प्रवाहित कर रहे होंगे तो आपको श्री गणेश जी से मन ही मन अपनी मनोकामनाएं रखनी है। जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो आपकी आप रखिए और सिर्फ वही सोचिए प्रभावित करते समय जल में जो आपकी मनोकामना है, और गणेश जी से बोलिए, प्रार्थना करिए अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। ये बहुत ही सरल व सटीक उपाय है। आज के दिन मतलब 6 दिसंबर के दिन संकाष्टी चतुर्थी के दिन ये उपाय किया जाता है तो मनोकामनाएं पूर्ण होने के बहुत ही ज़्यादा आसार होते हैं। ये था एक उपाय जो हमने आपको बताया। दूसरा उपाय भी हम आपको बताते हैं। दूसरा उपाय है, 6 दिसंबर की रात को आप 4 लड्डू गणेश जी को प्रसाद के तौर पे चढ़ाइए। उनमें से 2 लड्डू आप अपने सिरहाने में रखिए, सोते समय उनको ढक दीजिएगा कटोरी से और अपने सिरहाने सोते समय रख दीजिएगा। और अगले दिन जब आप 7 तारीख को उठेंगे, 7 दिसंबर को उठेंगे, तो उसको भी आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, बहाना है, और बहाते समय आपको गणेश जी से उच्चारण करना है कि हमारी मनोकामना पूर्ण करें। जो भी आपकी मनोकामना है वे आपको बोलनी है। तो 7 दिसंबर को आपको बहाना है, इसमें ध्यान रखिएगा। और जो पहला उपाय बताया था उसको 6 दिसंबर को ही पूर्ण करना है। दूसरा उपाय जो बताया है वह 6 को शुरू होगा और 7 तारीख को ख़त्म होगा। तो ये तो महत्वपूर्ण और सरल व सटीक उपाय हमने आपको बताए हैं जो संकाष्टी चतुर्थी के दिन किए जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं और बहुत लोगों की मनोकामनाएं पहले भी पूर्ण हुई है और आपकी भी पूर्ण हो सकती है। बंधु, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे उपाय पसंद आए, तो आप अभी इसको लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं कराया चैनल को, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि भविष्य में हम आपको ऐसे ही उपाय बताएंगे जो दिन प्रतिदिन की जो हमारी समस्याएँ होती हैं उनमें काम आएंगे। धन्यवाद।